प्रज्ञा बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 फरवरी दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना हाईकोर्ट ने 550 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। अब बिहार में वाहनों के चालान के दौरान नहीं होगा हंगामा। उमेश कुशवाहा का उपेंद्र कुशवाहा को चैलेंज। मनोज वाजपेयी की फैमिली मैन होगी इस दिन रिलीज। गिल और सिराज महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामांकित। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट ने 550 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। पटना हाईकोर्ट ने सहायक ग्रुप बी के 550 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार को कंप्यूटर के क्षेत्र में कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी होना अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 7 मार्च 2023 तक है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस में आवेदन करने के लिए पटना हाईकोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट के इस वैकेंसी में आवेदन करने के इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले पूरा भर्ती नोटिफिकेशन जरूर देखें। अब डिप्लोमा होल्डर्स भी कर सकेंगे IIT और NIT में दाखिले के लिए आवेदन। सरकार के संयुक्त सचिव संजय कुमार के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि अब डिप्लोमा होल्डर्स भी IIT और NIT में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अब वैसे छात्र जो मैट्रिक के साथ 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा करते हैं और NIT या IIT में दाखिल लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। दरअसल सरकार के द्वारा अब 3 वर्षीय डिप्लोमा को शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के पश्चात इंटर साइंस के समकक्ष की मान्यता दे दी गई है। यानी कि इसके आधार पर अब विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा में नामांकन के साथ ही +2 स्तर की नौकरियों में भी लाभ दिया जाएगा और साथ ही ये विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय के BSc या BA में दाखिला करवा सकते हैं। इसको लेकर विभाग की ओर से सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज समेत सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेज दिया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे लिलीपुट के बारे में। लिलीपुट एक भारतीय अभिनेता और टीवी श्रृंखला विक्रम वेताल और बॉलीवुड फिल्मों के लेखक है। उनका असली नाम MM फारूकी है। उन्होंने जोनाथन स्विफ्ट के उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स में 2 द्वीप देशों लिलीपुट और ब्लेफुस्को से संकेत लेते हुए स्क्रीन नाम अपनाया, जहां गुलिवर छोटे लोगों के निवास वाले एक द्वीप पर उतरता है। उन्हें दूरदर्शन की लोकप्रिय विज्ञान कथा श्रृंखला इंद्रधनुष लिखने और बंटी और बबली, सागर और 90 के दशक के लोकप्रिय सिटकॉम जैसे देख भाई देख, नटखट और मिस्टर फंटूस और वो में अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने प्रसिद्ध वेब श्रृंखला मिर्जापुर सीजन 2 में दद्दा त्यागी की भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत विजय स्टार बिस्ट से की। बिहार में बीमा पॉलिसी बेचेंगी पैक्स, मिलेगी ये सुविधाएं। सहकारिता मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और CSC के बीच हुए समझौते के बाद बिहार में अब प्राथमिक कृषि साख समितियां यानी कि पैक्स उन सभी सेवाओं की सुविधाओं को यहां के लोगों को उपलब्ध करवाएगी जो कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। यानी कि अब पैक्स बीमा पॉलिसी, ट्रेन प्लेन की टिकट, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे बनवाने वाले काम भी करेगी। बता दें कि इसके लिए पैक्स का कंप्यूटरीकरण 2 चरणों में किया जा रहा है, जिसमें पहले चरण में 2500 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा फंड भी उपलब्ध करवाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि STCC यानी कि 3 स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचा में पैक्स सबसे निचले स्तर पर है। शिक्षण संस्थानों के शौचालयों की दयनीय स्थिति पर पटना हाईकोर्ट का गंभीर रुख। पटना हाईकोर्ट के ACJ जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ के द्वारा छात्राओं के शिक्षण संस्थाओं की शौचालयों की दयनीय स्थिति को लेकर एक स्थानीय दैनिक अखबार में छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई की गई। इस दौरान सुनवाई करते हुए कोर्ट के द्वारा गंभीर रुख अपनाते हुए कहा गया कि इस तरह के मामलों के लिए कोर्ट को आदेश क्यों देना होता है। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह इस तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि अगली सुनवाई में वो राज्य के सभी जिलों के रिपोर्ट को चार्ट के रूप में पेश करे और साथ ही सैनिटरी नैपकिन के बारे में भी पूरी जानकारी दे। बता दें कि कोर्ट ने यह जिम्मेदारी अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 13 फरवरी 2023 को की जाएगी। मनोज
वाजपेयी की फैमिली मैन होगी इस दिन रिलीज। फिल्म निर्माता राजनिधि मुर्मू और कृष्णा डीके की मनोज वाजपेयी की द फैमिली मैन 2019 में रिलीज हुई थी और तुरंत दर्शकों की पसंदीदा बन गई। इसके दूसरे सीजन जिसका पिछले साल अनावरण किया गया था को भी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और तब से प्रशंसक इसके तीसरे सीजन के बारे में जानना चाहते हैं। मनोज वाजपेयी ने आखिरकार प्रशंसकों की उत्सुकता को खत्म कर दिया है और तीसरे सीजन की रिलीज की तारीख का खुलासा कर दिया है। बता दें कि मनोज वाजपेयी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो दर्शकों से कह रहे हैं कि इस होली में मैं आपकी फैमिली के लिए आ रहा हूं अपनी फैमिली के साथ, स्टे ट्यून्ड। मनोज वाजपेयी के द्वारा किए गए इस पोस्ट पर उनके फैंस के द्वारा खूब कमेंट किए जा रहे। एक यूजर लिखता है कि सीजन 3 के लिए इंतजार नहीं हो रहा है, वहीं दूसरा यूजर लिखता है मास्टरपीस इज कमिंग। शहीद जवान राहुल कुमार को आर्मी के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी अंतिम विदाई। उत्तराखंड में आपदा राहत बचाव कार्य के दौरान बर्फ के भूस्खलन में दबकर मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत के रामपुर गांव के रहने वाले स्वर्गीय जीवन सिंह का 34 वर्षीय पुत्र जवान राहुल कुमार का बीते दिन बिहार के भागलपुर जिला के सुल्तानगंज में उनके पार्थिव शरीर को भारत माता की जय के साथ गणमान्य लोगों और स्थानीय लोगों के द्वारा फूल माला अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही उन्हें आर्मी के जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर उनके छोटे भाई रोहित कुमार के द्वारा मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि जब उनके पार्थिव शरीर को नमामि गंगे घाट ले जाया जा रहा था उस दौरान उनका काफिला मोटरसाइकिल जुलूस के साथ भारत माता के जयकारों एवं शहीद राहुल कुमार अमर रहे के साथ आगे बढ़ा। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे एमवी गंगा विहार के बारे में। एमवी गंगा विहार, जिसे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट या एमवी कौटल्य के नाम से जाना जाता है, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान घाट में स्थित एक रेस्टोरेंट है। इसे 2009 में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी दोषों के कारण इसे 2017 में बंद कर दिया गया था। इसे दिसंबर 2022 में फिर से शुरू किया गया है। एमएस संध्या सम्राट कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना वह कंपनी है जिसने एमवी गंगा विहार का टेंडर लिया था। बता दें कि इस पर बने रेस्टोरेंट में 48 लोगों के साथ साथ बैठकर खाने की जगह है। इसके अलावा यह डबल डेकर क्रूज है जिसमें दो कमरे और एक वीआईपी लाउंज के साथ एक प्राइवेट लाउंज भी है। बता दें कि पर्यटन विभाग के इस डबल डेकर एमवी गंगा विहार क्रूज को लोग बड़ी पार्टी, इंगेजमेंट और गेट टुगेदर के लिए बुक करवा सकते हैं। बिहार निगरानी विभाग की रडार पर रिश्वतखोर। इन दिनों बिहार निगरानी विभाग के द्वारा कई रिश्वतखोरों की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि ताजा मामला बिहार की गया जिले का है, जहां निगरानी विभाग की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर एक अधिकारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया है। दरअसल गया जिले के टिकारी प्रखंड से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजीत कुमार के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद छापेमारी की गई तो उसे रंगे हाथ 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया, जिसके बाद बिहार निगरानी विभाग की टीम के द्वारा संजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई करने के लिए निगरानी के अधिकारी संजीत कुमार को अपने साथ ले गए हैं। अब बिहार में वाहनों के चालान के दौरान नहीं होगा हंगामा। कई बार हमें सड़कों पर ऐसा देखने को मिलता है कि वाहनों पर चालान काटने के दौरान हंगामा होता है। इसको लेकर विभाग को बार बार शिकायतें सुनने को मिलती थी, जिसके बाद इस तरह के हंगामे पर रोक लगाने के लिए अब वाहनों का चालान सीसीटीवी के निगरानी में काटा जाएगा। यानी कि अब चालान उस स्थान पर ही काटा जाएगा जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हो, ताकि जुर्माने की राशि को कैमरे में कैद किया जा सके। इससे लोगों के मन में उठे भ्रम को खत्म किया जा सकता है कि जुर्माना काटने के बाद राशि पैकेट में रख लेते हैं। बता दें कि वाहन अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस नियम को मार्च महीने से सख्ती से पालन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत सबसे पहले शहरों में की जाएगी। इसके बाद इसकी शुरुआत ग्रामीण इलाकों में भी की जाएगी। इसके साथ इसको लेकर जल्द ही विभाग के द्वारा सभी डीएम को निर्देश भेज दिया जाएगा। बीते दिन सीएम नीतीश समाधान यात्रा के तहत पहुंचे तीन जिला। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान मुंगेर, लखीसराय एवं शेखपुरा जिला पहुंचे, जहां वह जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में जीविका दीदियों ने हिस्सा लिया और अपने अपने अनुभव साझा किए। जीविका दीदियों ने जीविका समूह से जुड़ने के बाद अपने परिवार के जीवन स्तर में हो रहे बदलाव को सबके समक्ष रखा तथा आगे बढ़ने की अपनी आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने इन जिलों में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति के संबंध में संयुक्त समीक्षा बैठक की। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी गई, जिनके त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया गया। इसके अलावा उन्होंने मुंगेर के जमालपुर प्रखंड स्थित गुलालपुर ग्राम में प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन एवं पाल भवन में कंबल बुनाई कार्य का अवलोकन किया। मंगरा पोखर में विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर सामुदायिक भवन सह वर्क सेट का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त वानिकी महाविद्यालय मुंगेर का उद्घाटन एवं निरीक्षण भी किया।
अमृत पेक्स राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी में बिहार के फिलाटेलिस्ट लेंगे हिस्सा। 11 फरवरी से 15 फरवरी तक दिल्ली में अमृत पेक्स राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी 2023 का आयोजन होने जा रहा है। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव जश्न के हिस्से के रूप में यह आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में भारत की पुरानी संस्कृति, कला, इतिहास और विरासत को फिलाटेलिस्ट टिकट पर चित्र संग्रह के माध्यम से दर्शाया जाएगा। मनोज कुमार, जो कि डाक महाध्यक्ष पूर्वी प्रक्षेत्र है, उन्होंने बताया कि बिहार से बड़ी संख्या में फिलाटेलिस्ट भी इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। भारत की पुरानी परंपरा को बिहार के फिलाटेलिस्ट संग्रह किए हुए डाक टिकटों और चित्रों की प्रदर्शनी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि अमृत पेक्स के उपलक्ष्य में बिहार डाक परिमंडल को 45,000 प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का लक्ष्य भी मिला है। कृषि यंत्रीकरण मेला में 90 प्रकार के यंत्रों पर मिलेगा अनुदान। 9 से 12 फरवरी के बीच गांधी मैदान में कृषि यंत्रीकरण मेला लग रहा है। बता दें कि यहां 90 प्रकार के यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। आधुनिक यंत्रों के साथ मेले में 100 से अधिक कृषि यंत्र निर्माता भाग लेंगे। इसमें कृषि कार्य में ड्रोन का उपयोग किस तरीके से करते हैं, इसका लाइव डेमो भी दिखाया जाएगा। कुमार सर्वजीत, जो कि कृषि मंत्री है, उन्होंने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सहयोग से राज्य स्तरीय मेला आयोजित किया जा रहा है, जहां अनुदानित दर पर यंत्र उपलब्ध करवाने के साथ ही किसानों को नवीनतम कृषि यंत्रों की उपयोगिता बताई जाएगी। खुशखबरी, हज यात्रियों को 50,000 रुपए तक की मिली छूट। केंद्र सरकार ने हज यात्रियों के लिए बड़ी राहत देते हुए कई तरह की छूट दी गई है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने पिछले दिनों हज 2023 को लेकर नई पॉलिसी जारी कर दी है। जारी नए आदेश के अनुसार इस बार हज यात्रा के लिए आवेदन फ्री होगा। इससे पहले जो यात्री हज यात्रा के लिए आवेदन करते थे, उन्हें 400 रुपए प्रति व्यक्ति आवेदन फीस देनी होती थी। बता दें कि पहले आवेदन करते समय बैग, सूटकेस, छाता, चादर जैसे सामानों का पैसा लिया जाता था, लेकिन जारी नए आदेश के अनुसार हाजियों को इन चीजों का शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही इस बार हज यात्रा पर जाने के लिए बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार की नई पॉलिसी में केंद्र सरकार ने हज यात्रियों के लिए वीआईपी कोटे को समाप्त कर दिया है। जारी नई पॉलिसी के आधार पर हज यात्रा करने वाले यात्रियों को 50,000 रुपए की बचत होगी। इस नई पॉलिसी के तहत महिला तीर्थ यात्री बिना महरम के मक्का की यात्रा कर सकेंगे। महरम महिला के साथ यात्रा के लिए एक पुरुष रिश्तेदार का रहना होता है या फिर महिलाओं को ग्रुप में रहना होता है, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए राज्य के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। राज्य में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के तहत बिहार के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जो बिहार के 3 इंक्यूबेटर को मिलेंगे, जिनमें बिहार औद्योगिक एसोसिएशन यानी कि BIA, बिहार उद्यमी संघ BEA और बिहार विद्यापीठ के नाम शामिल है। इन तीनों को इस योजना के तहत नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो इंक्यूबेटर स्टार्टअप से आवेदन लेकर योग्य स्टार्टअप के बीच जारी किए गए सीड मनी को वितरण करेंगे। हालांकि इसके लिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है, जिसके तहत इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी स्टार्टअप को केंद्र या राज्य सरकार की योजना के तहत 10 लाख रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता नहीं मिली हो। हालांकि इसमें प्रतियोगिताओं और रियायती कार्यस्थान, संस्थापक मासिक भत्ता, प्रयोगशाला तक पहुंच या प्रोटोटाइप सुविधाओं के लिए दी जाने वाली राशि को शामिल नहीं किया गया है। राज्य के कई जिलों में बढ़ी ठंड। बिहार के कई जिलों में मौसम में बदलाव हुआ है। हालांकि अभी भी उत्तर बिहार के लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली है। पछुआ हवा के कारण लोगों को कनकनी महसूस हो रही है। हालांकि दिन में तेज धूप की वजह से लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन शाम को फिर से ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जिलों में कोल्ड डे की आशंका है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सिवान में कोल्ड डे हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मौसम खराब हो सकता है, जिस वजह से पटना समेत 16 जिलों में तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कुछ जिलों में अगले 2 दिनों तक कोहरे का प्रभाव बने रहने का भी आसार जताया गया है। बता दें कि राज्य में एक बार फिर से जनवरी जैसी ही सर्दी पड़ रही है। हर जगह पर उतना ही कोहरा और ठंड पड़ रही है। वहीं 20 जिलों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार में जाति गणना के दूसरे चरण का प्रारूप तैयार। बिहार में जाति गणना का पहला चरण पूरा हो चुका है। वहीं अब इसके दूसरे चरण की शुरुआत भी अप्रैल माह से होने वाली है, जो कि 30 अप्रैल तक चलेगी, जिसके बाद इसके गणना का काम मई महीने तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें पहले चरण और दूसरे चरण का मिलान किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए प्रगण को अगले माह से यानी कि मार्च में ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में डिटेल जानकारी के लिए प्रगण को मिलने वाले फॉर्म में 26 तरह की सूचनाएं एकत्रित की जानी है, जिसमें आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, पेशा सहित अन्य जानकारियां शामिल होगी। वहीं ट्रेनिंग के दौरान प्रगणकों को यह भी बताया जाएगा कि फॉर्म को किस तरह भरा जाएगा। फिलहाल इसके लिए फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है।
नीतीश कुमार कहें, हम अभी परिषद की सदस्यता छोड़ देंगे, उपेंद्र कुशवाहा। इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। एक बार फिर उन्होंने कहा कि वे जेडीयू को मजबूत करने के लिए अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि इससे लाखों लोग जुड़े हैं। अगर नीतीश कुमार कहते हैं तो हम सभी परिषद की सदस्यता छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। राज्यसभा से त्याग पत्र देने के दौरान मेरा कार्यकाल 3 साल का बचा था। यहां तक कि मैंने केंद्रीय मंत्री परिषद से भी त्याग पत्र दे दिया, तो फिर विधान परिषद की सदस्यता क्या है? ललन सिंह ने तो यह भी साबित कर दिया कि जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष पद झुंझुना है। मैं तो यही कह रहा था, मैंने जो 19 और 20 फरवरी को बैठक बुलाया है, उसमें शामिल होने वालों के लिए पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब इस पार्टी का भविष्य भगवान ही बता सकता है। उन्होंने कहा कि कल तक जारी सभी पत्रों में मुझे जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बताया जा रहा था और आज मैं इस पद पर नहीं हूँ। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से राज्यपाल फागू चौहान ने की मुलाकात। राज्यपाल फागू चौहान बिहार में छपरा बवाल और जदयू के अंदर सियासी अंतर कलह के बीच दिल्ली पहुंचे। वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्यपाल फागू चौहान ने मुलाकात की। बता दी कि वे दिल्ली में इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं। राजभवन की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस मुलाकात का शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। जैसे ही बिहार के राज्यपाल की केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की खबर आई, वैसे ही इस मुलाकात पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस मुलाकात में किस बात पर चर्चा हुई है, इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है। उमेश कुशवाहा का उपेंद्र कुशवाहा को चैलेंज। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव लड़ने को लेकर चुनौती दिया गया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वो किसी एक वार्ड सदस्य का भी चुनाव लड़कर देख ले, उन्हें उस चुनाव में जीत नहीं मिलने वाली। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें कितना सम्मान दिया है, लेकिन फिर भी वे लगातार पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 19 और 20 फरवरी को होने वाले बैठक को लेकर कहा कि कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, उनकी बैठक में कोई जाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी संविधान के अनुसार उन्हें मीटिंग बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। वो पहले संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पर थे, लेकिन नई पार्टी बनने के बाद वो किसी पद पर नहीं है। गिल और सिराज महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामांकित। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और युवा ओपनर सुमन गिल को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ यानी महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डिवॉन कॉनवे पुरस्कार की दौड़ में तीसरे खिलाड़ी हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC द्वारा हर महीने प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाला पुरस्कार है। हर महीने ICC महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का चयन करती है। मंगलवार को ICC ने इन तीनों खिलाड़ियों का चयन किया है, जो कि जनवरी महीने के लिए है। दिसंबर महीने में इस अवार्ड को इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने जीता था। देखना दिलचस्प होगा कि गिल, सिराज और कॉनवे में से कौन यह अवार्ड ले जाता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में जर्मनी के केल से एक नौका के जरिए जापान के लिए रवाना हुए। दिल्ली हवाई अड्डे पर 1986 में पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई। क्रिकेटर कपिल देव ने 1994 में टेस्ट मैचों में 432 विकेट लेकर रिचर्ड हैंडली के सबसे अधिक विकेट लेने के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। सियोल में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 2006 में 3 समझौते संपन्न हुए। उड़ीसा के शिशु पालगढ़ में 2008 में खुदाई के दौरान 2500 वर्ष पुराना शहर मिला। 1897 में देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। 1986 में भारतीय महिला क्रिकेटर एकता विस्ट का जन्म हुआ था। 1971 में महान लेखक कन्हैयालाल मणिकल लाल मुंशी का निधन हुआ। 1963 में क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन का जन्म हुआ था। 1951 में हिंदी के मंचीय कवियों में से एक अशोक चक्रधर का जन्म हुआ था। 8 फरवरी 1980 में भारतीय अभिनेता जयदीप अहलावत का जन्म हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे नीट PG 2023 के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे नीट PG 2023 के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के नाम से जारी एक नोटिस में दावा किया गया है कि नीट PG 2023 परीक्षा स्थगित कर दी गई है और अब 21 मई 2023 को आयोजित की जाएगी। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह नोटिस फर्जी है। नीट PG से जुड़े अपडेट के लिए nbe.edu.in पर जाकर चेक करें। भूल कर भी नजरअंदाज ना करें सिस्टम अपडेट का नोटिफिकेशन। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो फोन पर आए सिस्टम अपडेट के नोटिफिकेशन को नजरअंदाज कर देते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि एंड्रॉइड अपडेट्स आपके एंड्रॉइड सिस्टम की ओर से भेजी जाती है। अक्सर नए अपडेट्स के तहत यूजर के सिस्टम को लेकर आने वाली परेशानियों बग को खत्म किया जाता है। इसके अलावा मौजूदा सिस्टम की खामियों को दूर कर यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इन अपडेट्स को पेश किया जाता है। और अगर आप अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करते हैं तो आप साइबर फ्रॉड्स का निशाना बन सकते हैं।
क्योंकि साइबर फ्रॉड्स ऐसे यूजर को ही अपना निशाना बनाते हैं जिनका सिस्टम अपडेट ना हो। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की माने तो यूजर को इस मामले में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही सिस्टम की ओर से कोई नया नोटिफिकेशन नए अपडेट को लेकर जारी किया जाता तुरंत डिवाइस को अपडेट कर लेना चाहिए। सात वचन के साथ कियारा हुई सिद्धार्थ की। बीते दिन आखिरकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी सात वचन के फेरों के साथ एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ ही गए। बता दें कि कल का दिन सिद्धार्थ और कियारा के लिए बेहद खूबसूरत भरा दिन बन गया। दोनों ने सात वचनों के साथ सारी रश्मि अदा कर अपने परिवार और मेहमानों के आशीर्वाद के साथ एक हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों ने अपनी शादी जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में बड़े ही धूमधाम के साथ की। सिद्धार्थ ने साजन जी खड़ाएं गाने के साथ धमाकेदार एंट्री की। शादी का मंडप सूर्यगढ़ की पर्व सजाया गया था। वहीं शादी के रीति रिवाजों की बात करें तो यह शादी पंजाबी रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई है। इसके साथ ही इस शादी में मेहमानों को राजस्थानी पकवान भी परोसे गए थे। शादी के साथ साथ सिद्धार्थ और कियारा के द्वारा ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी भी रखी गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, वेद प्रकाश सिंह, कुश कुमार यादव, अमित कुमार, शंकर मुखिया, रविशंकर, राजेश कुमार राज, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रवि कुमार राम, कन्हैया कुमार, अनवर करीम खान, रूपेश कुमार, मोहम्मद सैफुल्ला, मोनिका सिंह, कविता कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल और डिवॉन कॉनवे में से जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कौन जीतेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।